हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका श्री श्री यूनिवर्सिटी एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आपको कहाँ पे जाके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, इसमें google.com ओपन करना है, इसमें टाइप करना है श्री श्री यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिसपे आपको श्री श्री यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IASpaper.net श्री श्री यूनिवर्सिटी 2022, तो इसी लिंक पर आपको जाके क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका श्री श्री यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 23rd फरवरी 2022 फॉर वेरियस कोर्सेज। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करेंट स्टेट, करेंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाइजिस क्वालिफिकेशन, किट भी कौन से पे क्लिक करना है। इससे आपकी ईमेल आईडी, आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू श्री श्री यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फ्री आपको एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है 23rd को। तो आपको यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है वो बता देते हैं पहले। तो आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है कि इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। UPES यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, KL यूनिवर्सिटी है, NIMS यूनिवर्सिटी एंड DIT यूनिवर्सिटी। इन सिक्स यूनिवर्सिटियों में आपके लिए फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। यहाँ पे एडमिशन लेने के 5 रीज़न है आपके पास। यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है और क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलने वाली है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाली है एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। तो अगर आप सपोज डेट कहीं भी एडमिशन लेते हैं, अपना अपने स्टेट में, अपने राज्य डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आएंगे, आपके स्टेट में जो जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ के बच्चे आएंगे और अदर स्टेट से बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे यहाँ पर। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट के, इंडिया के अलग अलग स्टेट से बच्चे इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। इंडिया के ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री से भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनके साथ आप रहेंगे, उनके साथ बात करेंगे, तो आपसे इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड एक्सचेंज होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा। तो आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। क्या करना है आपको, अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे सिंपली जाके आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे श्री श्री यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो क्लिक हेयर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई, क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, PG एप्लीकेशन फॉर्म है, PhD एप्लीकेशन फॉर्म है, किसके लिए, जिसके लिए भी आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज डेट यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर, यहाँ पे UG एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे UG के लिए हम करना चाहते हैं, तो UG के लिए किस कोर्स के लिए आप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है, जो भी आपके पास फ़ोटो हो अपना वो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम लिख देना है, क्या नाम है आपका, मोबाइल नंबर, जेंडर कौन सा है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, कैटेगरी कौन सी है वो आपको फिल कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेना है, एड्रेस लाइन आपका क्या है, एड्रेस आपका क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है, यहाँ पे सेकेंड एड्रेस आपको फिल कर लेना है, कौन सी कंट्री में आप रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया फिल कर लेना है, अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है, स्टेट कौन सा है, स्टेट जो भी है आपको वो फिल कर लेना है, स्टेट में कौन सी सिटी में आप रहते हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। तो अगर अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका कोड देना है, पोस्टल कोड जो भी होगा या फिर ZIP कोड जो भी है वो आपको यहाँ पे दे देना है।
तो अगर आपके पास दो एड्रेस है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सेम एज एवो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, फादर डिटेल्स देने हैं, फादर का नाम लिखना है, आपके फादर का क्या नाम है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, मोबाइल नंबर उनका, हाइजेस्ट क्वालिफिकेशन उनका, प्रोफेशनल क्या है उनका वो, यहाँ पे आपको मदर का नाम लिख देना है, यहाँ पे जो भी आपकी मदर का नाम हो वो लिख देना है, उनका मोबाइल नंबर, हाइजेस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल क्या है उनका वो, यहाँ पर आपको टेंथ का डिटेल्स देने हैं, टेंथ के स्कूल का नाम क्या था आपको वो, किस बोर्ड में आपने किया था वो आपको फिल कर लेना है, ईयर आप कम्पलीशन मतलब किस ईयर में आपने इसे ना पास किया था वो, परसेंटेज कितने मिले थे तो वो आपको फिल कर लेना है, यहाँ पे आपको 12th का डिटेल्स ऐसे ही दे देना है, और एनी GAP आपका गैप है तो वो आपको बताना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेना है सिंपली, यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है वो आपको, बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, ईयर आप कम्प्लीशन आपने किया है वो, और अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है यस कीजिए, अगर नहीं डिक्लेयर्ड हुआ तो नो पे क्लिक कर लेना है सिंपली, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था वो, एग्ज़ाम सर्कुलर एक्टिविटी क्या थी वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, एग्जामिनेशन एग्ज़ाम का नाम, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका टेस्ट ईयर क्या था, स्कोर कितना था वो आपको फिल कर लेना है, अदर डिटेल्स में आपने यहाँ पे इसमें श्री श्री यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कहाँ से जाना था वो आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर लेंगे, डिक्लेरेशन पे यहाँ पे आपको डेट और प्लेस पर अपना फिल कर लेना है, अमाउंट आपको कितना बताया गया है, पेमेंट करना है कितना, 300 रुपीज़ आपको पेमेंट कर लेने हैं, यहाँ पे कैप्चा कोड जो इमेज में दिख रहा है उसको यहाँ पे फिल करके सबमिट एप्लीकेशन प्रोसीड एंड प्रोसीड टू पे तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, तो उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट आपको 300 रुपीज़ आपको पेमेंट करने हैं, तो ऐसे ही आपको करना है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक